हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक FND का A510 मॉडल का ये होम थिएटर है। ये 2.1 होम थिएटर है। ये अभी मैंने OLX से परचेस किया है। ज़्यादा पुराना नहीं है फ्रेंड्स, ये 6 महीने ही पुराना है। ये मैंने 1200 रुपये का परचेस किया है। इसका बिल वगैरह भी दिया है मेरे को सामने वाले बंदे ने, जैसा आप देख सकते हैं। जैसा आप बिल में आप देखेंगे तो ये 2100 रुपये का दिया है इसमें बिल। जैसे 1700 रुपये प्राइस है इसकी। बाकी ये मतलब देखा जाए तो ये GST और आजकल जो लगने लग गया है, जो भी टैक्स वगैरह वो सब मिला के 2100 रुपये का ही पड़ा है। 6 महीने पुराना है और इसकी कंडीशन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी है। तो आज ही फ्रेंड्स मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ। 1200 रुपये का ख़रीदा है फ्रेंड्स मैंने। ये OLX से ख़रीदा है। जैसे OLX जो एक साइट रहती है ना, जिस पर अपन पुराना सामान बेचते खरीदते हैं, वहीं से लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम चेक करते हैं। आज इसका साउंड क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे कैसा है, और इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या सामान रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको खोल के देखते हैं क्या क्या इसमें सामान रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दो हीटर दिए हुए हैं, जैसे ये 4-4 इंच के दो हीटर दिए हुए हैं। इस टाइप से ये हीटर दिया हुआ है इसमें। और ये जैसे इसके अंदर देखा जाए तो ये एक सबवूफर बॉक्स दिया हुआ है। ये वुडन सबवूफर बॉक्स है। करीब 4-5 किलो का इसका वजन है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी अंदर इसके कुछ भी नहीं है इस टाइप से, ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसको चला के चेक करेंगे किस टाइप से इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आती है। तो फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं बता देता हूँ, इसमें ये एक वॉल्यूम का बटन दिया हुआ है, एक बेस कंट्रोल दिया है, ट्रिबल कंट्रोल इसमें नहीं दिया हुआ है। ये ऑडियो इनपुट हो गया, यहाँ पे मतलब अपनी ऑक्स लगेगी, और ये ऑडियो आउटपुट हो गया, यहाँ पे अपने जो स्पीकर है सैटेलाइट स्पीकर वो लगेंगे। ये एक ऑन ऑफ स्विच दे दिया है। बाकी साइड से कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे देखा जाए तो एयर पास के लिए होल दिया हुआ है, इस टाइप से ये हुआ है। यहाँ पर ब्रांडिंग दी हुई इसकी 50-100 वॉट PMPU का है। एक्चुअल फ्रेंड्स, ये 50-100 वॉट PMPU का नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक मैनुअल निकला है। तो मैनुअल में मैंने देखा कि क्या एक्चुअल वॉट है, तो आपको भी दिखा देता हूँ इसका। जैसे ये आप देख सकते हैं इस टाइप से इसका, जैसे सैटेलाइट स्पीकर 16 वॉट के दो है, और 20 वॉट का इसका सबवूफर है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कनेक्शन भी बताया है किस टाइप से आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको अब कनेक्ट करके देखते हैं। ये सैटेलाइट स्पीकर हो गए अपने, इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस टाइप से। इसकी जैसे एक की जैसे वायरिंग है वाइट वाले की, ये वाइट वाला लगा देता हूँ। और एक ये छोटा एक और सैटेलाइट स्पीकर है, राइट लेफ्ट करके है, इसके रेड वाले का मैं रेड में लगा देता हूँ। इस टाइप से लग गया है ये। बाकी जो मेरे पास ये ऑक्स की केबल आती है, ये मैंने लैपटॉप लगा के रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो लैपटॉप में से ऑक्स की केबल लगा देता हूँ यहाँ पे। ये ऑक्स की केबल लगा दी है फ्रेंड्स। अब इसको हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। जैसे मैंने वायरिंग भी इसकी लगा दी है, इसको ये ऑन कर दिया, ये ऑन हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखेंगे आप, लाइट जल रही है, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑफ, ये ऑफ, इस टाइप से ऑन ऑफ हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम थोड़ा सा चालू करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा साउंड है फ्रेंड्स इसका। तो ये है कि मतलब अपने एक जो कमरा रहता है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा साउंड है। बेस वगैरह इसकी अच्छी है। बाकी इस प्राइस में ये है कि फ्रेंड्स, इस प्राइस में जो अपन 2.1 लेते हैं, उसमें सबसे बेस्ट बेस क्वालिटी मुझे इसी की लगी है। मैंने फिलिप्स और इंटेक्स वगैरह का भी चेक किया है, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया है। तो ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर कैसे क्या सब वूफर है, कैसे इसका सर्किट लगा हुआ है। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।